हेलो, माय नेम इज तरुण अग्रवाल एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, एक वर्ड है कंपटीशन, और कंपटीशन ऐसा कहते हैं बिजनेस में, जब खासकर बिजनेस में जो कंपटीशन होता है तो ऐसा कहते हैं इट इज़ गुड। ओके, अगर कंपटीशन है तभी आपके अंदर एक आग लगी होती है कि आप कंपटीशन की भावना से ही आगे काम करते हैं और तेज काम करने की कोशिश करते हैं, बिकॉज यू वॉन्ट टू प्रूव द अदर पर्सन दैट यू आर बेटर देन हिम और हर। नाउ मैं आपको बोलना चाहूँगा इस वीडियो के थ्रू दैट कंपटीशन ही आपका सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है आप ही के बिजनेस में। ऑलराइट, सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन कंपटीशन ही है। देखिए, होता क्या है कि इफ़ यू आर कम्पीटिंग विद द अदर पर्सन, अगर आप किसी एक और आदमी से कंपटीशन कर रहे हैं और अगर आपको लगता है कि आप उससे थोड़ा सा बेटर कर पा रहे हैं तो आप खुश हो जाते हैं, ओके, कि मैं इससे थोड़ा सा बेटर कर रहा हूँ। और फाइनली क्या होता है कि आप धीरे धीरे करके सिर्फ उस आदमी से बेटर करने के चक्कर में बस थोड़ा सा एक स्टेप आगे रहने की कोशिश करते हैं। बट मैं आपको बोलना चाहूँगा, क्या पता कि दूसरा आदमी जिससे आप कंपटीशन कर रहे हैं, क्या पता वो चल रहा है और आप हल्का सा ज़्यादा तेज चल रहे हो उससे आगे बढ़ने के लिए, बट क्या पता कुदरत ने आपको उड़ने के लिए बनाया हो। ऐसा क्यों सोचते हैं कि दूसरा आदमी से ही कॉम्पिटिशन करना है? ऐसा आपने देखा होगा, बहुत सारे वॉलपेपर्स, बहुत सारे कोट्स आपको मिलेंगे जिसमें लिखा होगा योर, अगर आप मिरर में देखें तो डेट्स योर कॉम्पिटिशन। तो आई थिंक डेट इज़ द राइट थिंग, आई थिंक दैट इज एब्सोल्यूटली राइट, कि आपका जो कॉम्पिटिशन है दूसरा पर्सन नहीं, आप खुद हैं। ओके, अब दूसरा एंगल देखते हैं कि मान लीजिए आप किसी से कॉम्पिटिशन की भावना रखते हैं और आप उससे अच्छा नहीं कर पा रहे, तब आप डिप्रेस हो जाते हैं। तो दोनों ही चीज़ें, ज़्यादा खुश हो जाना कॉम्पिटिशन में और ज़्यादा अच्छा ना करने की वजह से डिप्रेस हो जाना, दोनों ही चीज़ें आपको आपके बिजनेस से डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं। अपने बिजनेस पे फोकस करने के लिए यस, कॉम्पिटिशन इज गुड, बट ओनली वेन यू कम्पीट विद योर सेल्फ। दूसरे आदमी से जब आप कम्पीट करते हैं, हमेशा आप अपनी कैपेबिलिटी से कम काम करते हैं। अपनी कैपेबिलिटी, अपने आप को पहचानिए और अपने आप की जो भी आपकी कैपेबिलिटीज़ हैं और जो भी स्किल्स हैं, उन सभी स्किल्स को यूज़ करके आगे बढ़िए। और जब सोचना ही है ना, तो बड़ा सोचिए, ये मत सोचिए कि दूसरा आदमी, मैं बस उससे थोड़ा सा एक स्टेप ऊपर हूँ। नो, दैट इज़ एब्सोल्यूटली रॉन्ग। और मैं आपको बोलूँगा कि खासकर ये, इसको बोलते हैं पुअर डैट थिंकिंग, मतलब कि इट इज़ अ पुअर थिंकिंग व्हेन यू, जब आप अपने पड़ोसी से कंपटीशन कर रहे हैं, उसका बड़ा, इसका इतना एसी तो मेरा इतना बड़ा एसी, उसकी इतनी गाड़ी तो मेरी इतनी बड़ी गाड़ी, डैट्स अ पुअर वे ऑफ लुकिंग एट लाइफ एंड बिजनेस। सो डोंट कम्पीट विद एनीवन, अंडरस्टैंड योर ओन कैपेबिलिटी एंड एबिलिटी, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट कि आप जो कुछ भी सोच रहे हैं, जो कुछ भी आपने ड्रीम्स बनाए हैं, वो सारे ड्रीम्स आपके पूरे हों। आई विश ऑल द बेस्ट फॉर दिस। एंड बिफोर एंडिंग दिस वीडियो, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में येस और नो, ओनली येस एंड नो, छोटा सा लिखना है आपको, येस और नो करके आप अपने थॉट शेयर करिए कि क्या आप मेरे से सहमत हैं। येस मीन्स येस आप सहमत हैं, नो मीन्स नो। ओके, येस एंड नो करके ज़रूर कमेंट्स करिएगा। एंड ऑल्सो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, रेड में नीचे लिखा हुआ इस वीडियो के नीचे सब्सक्राइब क्लिक करिए, देन एट बेल आइकन पर क्लिक करिए, सो दैट आपको नोटिफिकेशन मिलेगी नेक्स्ट वीडियो के लिए। और मैं दुआ करूंगा कि आपका बिजनेस डेफिनेटली अच्छा चले। थैंक यू वेरी मच।